नमस्ते दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में। तो आज जून का 14 तारीख है। हमारा उड़ीसा में पालते हैं रजो का पर्व। रजो जो होता है, जो बेटी बहन और माँ आदि सब श्रृंगार करके और झूला झूलते हैं। और अभी तो लॉकडाउन हो गया है दोस्तों, तो इसलिए हम सब घर पे मना रहे हैं। आज बहुत सारे पीठा, बहुत सारे तरीके से जो बोलते हैं नाश्ता खाना सब तैयार करते हैं घर पे, और कढ़ाई का पीठा भी होता है। तो दोस्तों हम अभी बनाने जा रहे हैं जो तावा पे पीठा, जो हमारे यहाँ पे बोलते हैं चकड़ी पीठा, और मटर आलू मटर झोल। तो दोस्तों और बनाएंगे, आपको दिखाएंगे और खा के भी दिखाएंगे, तो वीडियो पे बने रहेगा। चलिए दोस्तों कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो दोस्तों थोड़ा अंधेरा है क्योंकि घर पे लाइन नहीं है और इलेक्ट्रिक का बहुत भारी जो बोलते हैं प्रॉब्लम है दोस्तों। तो ये कढ़ाई में हमने तेल दे दिया है, देख लीजिए, और यहाँ पे तवा को गर्म करने के लिए छोड़ दिया है। तो ये रहा हमारा पीठा। यहाँ उड़द का दाल और चावल को पीस के और बनाया है पेस्ट। जो चकड़ी पीठा बनाएंगे यहाँ पे, जो पतला सा पीठा होता है डोसा के टाइप पे, वही को हमारा उड़ीसा में बोलते हैं चकड़ी पीठा। तो दोस्तों ये रहा मटर, ये रहा दोस्तों आलू मटर। सला लाइट की थोड़ा प्रॉब्लम हो गया दोस्तों, एडजस्ट कर लेना। ये हो गया मसाला, और यहाँ एक आलू को काटा है, आप चाहे तो बैंगन भी दे सकते हैं, और ये सारा मसाला इसमें डालेंगे। तो दोस्तों और चलिए स्टार्ट करते हैं, आप देख लीजिए। मसाला डालो, नमक भी डालो। मेरी बीवी बना रही है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ उनको, क्योंकि ये सब मुझे मालूम है, मेरी माता ने सिखाया था। और यहाँ पे एक पत्ता पत्ता है दोस्तों, धनिया पत्ता तो अभी नहीं है, और एक पत्ता जो बोलते हैं जो बड़ा वगैरह में पकौड़ों में पड़ता है, तो भूषण पत्र कहते हैं हमारे भाषा में दोस्तों, उड़िया में। तो हिंदी में दोस्तों क्या बोलते हैं मुझको मालूम नहीं है। ये डाल दिया दोस्तों चिकन मसाला, आप थोड़ा तेज दो ताकि मसाला हो जाए। आग दोस्तों मटर को डालते हैं और यहाँ पे पीठा बनाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे पीठा होगा। इस आलू को इस तरह से तावा के ऊपर थोड़ा तेल दे के घुमाते हैं, बहुत तेल हो रहा है, ज़्यादा मत दो। और ये रहा ग्राइंडिंग करे हुआ पीठा। तो दोस्तों देखिए डोसे का टाइप का पीठा, तो हम दोस्तों ये खाते भी दिखाएंगे आपको, तो वीडियो में बने रहेगा। और दोस्तों सपोर्ट करिएगा, आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। यहाँ पे आग थोड़ा तेज दे दो, नहीं तो पीठा इतना मोटा बंद बनाओ, पूरा डोसा का टाइप के बनाओ। तो दोस्तों ये बना रही है, फिर मैं बना के दिखाऊंगा किसका अच्छा हुआ है, आप देखेंगे।
यहाँ पे थोड़ा आग तेज करो, नहीं तो ये नहीं होगा। तो पीठा का हो गया है दोस्तों, पीठा हो गया है। पीठा को अब पलटाएंगे, यानी हाँ उल्टा करेंगे। तो देखिए ये हो गया हमारा डोसा टाइप का पीठा। तो दोस्तों ये यहाँ पे कंटिन्यू है, मटर पकाओ, सब पकाओ। तो इसका प्रोसेस तो आपको दिखा दिया दोस्तों, तब लास्ट में दिखाएंगे। तो ये बनाया है मेरे पत्नी ने पीठा, और मैं आपको बना के दिखाऊंगा पीठा। तो ये पीठा थोड़ा दोस्तों लाइट के प्रॉब्लम हो रहा है, वीडियो बहुत लंबा कर रहे हैं, क्या देख रहे हो, ढकाओ। तो दोस्तों ये हो गया है मेरे पत्नी का पीठा, तो मैं अब बना के दिखाऊंगा आपको। तो किसका पीठा अच्छा है अब बोलेगा। तो बना रहा हूँ दोस्तों मैं पीठा, दोस्तों ये ना कुछ भी नहीं जानती है, मैं सब सिखाया हूँ इनको पीठा कैसे बनाते हैं, क्या कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में। आपका तावा अगर गर्म ना हो ना दोस्तों, तो पीठा जो पलटा है पलटेगा नहीं। इतना चाहे आप कोशिश कर ले, पीठा टूट जाएगा दोस्तों, नहीं पलटेगा। इसलिए तावा को गर्म करना, बहुत गर्म करना ज़रूरी है। देखिए मेरा पीठा कैसे हो दिख रहा है, छेद छेद सा दिख रहा है पीठे में। ये सब खाने का जितना है सब सामग्री दोस्तों मैं बचपन से मेरे माता से सीखता आया हूँ, इसलिए मैं सब कुछ जानता हूँ। दोस्तों एक तरफ तो हो गया है इस तरफ का, थोड़ा ये तो इस तरफ हो गया है, नीचे का तरफ नहीं हुआ है। और नीचे का तरफ करते हैं और फिर आपको खा के दिखाएंगे, और वीडियो में थोड़ा सब्जी को भी दिखा देंगे लास्ट में होगा, हो गया है या नहीं। तो इस तरह का पीठा दोस्तों हमारे यहाँ पे रजो के पर्व में बनाते हैं, फेस्टिवल में। तो आपके यहाँ क्या क्या करते हैं, ये जो 3 दिन 14, 15 और 16 तारीख को हमारे यहाँ रजक का पर्व उड़ीसा में मनाते हैं। तो दोस्तों ये मैं बना चुका हूँ मैं पीठा, देखिए इस तरफ भी हो गया है, ये हो गया है पीठा। दोस्तों ज़्यादा इसको कड़वा नहीं करते हुए इसको निकाल देते हैं, यहाँ रख देते हैं। तो दोस्तों वीडियो कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों मटर का जो सब्जी है वो पानी डाल दिया है, और थोड़ा अंधेरा है दोस्तों, कैसा दिख रहा है बताइएगा कमेंट में। और ये रहा पीठा, अभी चालू है। तो दोस्तों सब कुछ बना के हम आपको खा के दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स पीठा आ चुका है और मेरी पत्नी भी वहाँ है। देखिए हमारा खाना देख लीजिए, ये रहा पीठा, ये रहा सब्जी, और उनका पीठा और सब्जी। और हमने कोका कोला लाया था दोस्तों,
जो कि पी चुके हैं। तो दोस्तों एडजस्ट कर लेना, मैं आपको पीठा ऐसे ही खा के दिखाऊंगा। तो पहले पितृदेव को, तो दोनों टाइम पी ना। मैं पी चुका हूँ। बहुत ही अच्छा है। वो देखिए दोस्तों, वो पी रही है थम्स अप, तो सॉरी कोका कोला। तो उन्होंने अभी अभी नहा के पीठा पीठा बनाया है, सब कुछ बनाया है, इसलिए वो जो बोलते हैं जो अपना जो बाल फाल नहीं संवरा है, कुछ भी नहीं लगाया, सिंदूर फिंदूर कुछ भी नहीं लगाया है। तो वो सामने बैठे बैठ के खाएंगी और देखिए उनका उनका खाना, एक बार खा के दिखा दो। दिखाई दे रहा है। दोस्तों बहुत ही अच्छा है और थोड़ा झाल बना दिया है। मटर सब्जी और तवा का पीठा, डोसा टाइप का। थोड़ा एडजस्ट कर लेना दोस्तों, मोबाइल को रखने के लिए जगह नहीं है। दोस्तों हर बार स्लेट पेंसिल खाना तो पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए कुछ अलग, थोड़ा चावल भी होगा, थोड़ा रोटी भी होगा, थोड़ा पीठा भी होगा, थोड़ा सब कुछ होगा दोस्तों वीडियो में। पूरा गरम गरम है, एकदम से गरम गरम। अगर मोबाइल यहाँ होता तो अच्छा होता। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल पे जुड़े रहेगा, चैनल पे जुड़े रहेगा दोस्तों। ऐसे ही वीडियो में आपके सामने आपके लिए लाता रहूँगा। तो देख तो रहे हैं आप, खाना हम खा रहे हैं। आज दोस्तों हमारे उड़ीसा में बहुत सारे लोग चिकन मटन मांस मछली आदि बहुत कुछ खाएंगे, खा रहे होंगे। और ख़ास करके दोस्तों सभी के घर में पीठा होगा, बनाया होगा सबने उड़ीसा में। तो दोस्तों कमेंट करना, उड़ीसा के दोस्तों जो भी देख रहे हैं, तो आपके घर में क्या पीठा बनाया था। हमारे तो यहाँ चकली पीठा बनाया था दोस्तों, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मुझको पता नहीं है दोस्तों। और डोसा टाइप का पीठा है, वो ठंडा पी रही है, उसके साथ पीठा भी खा रही है।
तो दोस्तों स्लेट पेंसिल का वीडियो जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है वो 16 तारीख को 4 बजे आप देख पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और आने वाले स्लेट पेंसिल का वीडियो। तो दोस्तों बहुत सारे दोस्तों बोल रहे हैं कि ये ब्रांड का खाओ दूसरे ब्रांड का खाओ। तो दोस्तों जिस दुकान में जो ब्रांड मिलेगा वही तो मैं लाऊंगा ना, और हर दुकान में मैं जाके ढूंढ नहीं सकता कि ये ब्रांड है कि नहीं आपके पास, वो दूसरा ब्रांड है कि नहीं। जिस दुकान में दोस्तों जो ब्रांड मिलेगा वो उस स्लेट पेंसिल को मैं खा के दिखाऊंगा। और जो दोस्तों बोलते हैं कि आप ये मिट्टी खाओ वो मिट्टी खाओ, दोस्तों मैं मिट्टी नहीं खाता दोस्तों, मैं सिर्फ स्लेट पेंसिल खा के दिखाऊंगा, मिट्टी नहीं खाता नहीं खाऊंगा भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि स्लेट पेंसिल दूसरा है और मिट्टी दूसरा है। और बोलते हैं बहुत सारे वो जो स्लेट बार हैं, स्लेट बार क्या क्या बोलते हैं, स्लेट चकोर का होगा ये होगा वो होगा, वो सारा दोस्तों हमारे यहाँ पे नहीं मिलता। अगर मिलता होगा तो कटक भुवनेश्वर में मिलता होगा, तो सब लोग भाई तो जानते होंगे, भुवनेश्वर का नाम जानते होंगे, वहाँ मिलता होगा, यहाँ पे नहीं मिलता दोस्तों। तो वो ऑनलाइन पे ऑर्डर करना पड़ेगा, ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए हमारे पास उतना पैसा भी नहीं है। तो देखेंगे आने वाले वीडियो में, अगर आपका साथ मिलेगा तो सब कुछ हो जाएगा दोस्तों, हो पाएगा। फिलहाल दोस्तों मैंने बताया था बहुत सारे वीडियो आएंगे, धीरे धीरे आएंगे दोस्तों, एक बार में मैं सभी वीडियो बना नहीं सकता। तो और क्या बात बताऊँ, बहुत सारे दोस्तों कमेंट भी कर रहे हैं कि ये मत खाओ वो मत खाओ, क्या तुम ये खा के कुछ काम धाम करो। तो दोस्तों क्या काम धाम करना तो मैं कर चुका हूँ दोस्तों, कितना करूँ काम धाम कितना करूँ, जब मैं बुढ़ापे में चला आऊँगा तब कभी काम कर सकूँगा, बोलिए आप, नहीं कर पाऊँगा ना, इसलिए अभी से कोशिश करता हूँ कि कुछ करके दिखाऊँ। तो हाथ पैर चलाने से पैसा मिलेगा मुझको मालूम है, और कलम चलाने से भी पैसा मिलेगा, और दिमाग का यूज करने में से भी पैसा मिलेगा, और अपने जान को रिस्क में डालने से भी पैसा मिलता है। तो मैंने सोचा कि अपने जान को रिस्क में डालूं और रिस्क वाले वीडियो भी मैं बनाऊंगा आपके लिए। मेरे चैनल में दोस्तों फेक वीडियो नहीं आएगा, कभी मैं आपको फेक वीडियो बना के नहीं दूंगा दोस्तों। तो चैनल पे जुड़े रहना दोस्तों, जो भी नए आए हैं वो सब जुड़े रहना आने वाले वीडियो तो देखने के लिए। फिलहाल अभी रजक का महोत्सव है दोस्तों, हम खा रहे हैं पीठा। ये सब रजक का पर्व ना उड़ीसा में ही मनाते हैं। यहाँ पे झूला झूलते हैं, वो जो पेड़ है पेड़ के टहने में रस्सी बांधकर झूला बना के वहाँ फूल वगैरह सब कुछ लगा के बहुत अच्छे तरह से झूला झूलते हैं। अभी तो लॉकडाउन हो गया दोस्तों, मैं आपको दिखा नहीं सकता, नहीं तो बहुत सारे गांव में बहुत सारे झूले होंगे। अगले आने वाले वीडियो में दोस्तों, अगले साल में अगर लॉकडाउन जारी रहा तो दोस्तों ये सब महोत्सव नहीं हो पाएगा, अगर लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो बहुत सारे जगह मैं आपको दिखाऊँगा, बहुत सारे फेस्टिवल उड़ीसा के दिखाऊँगा, गांव का दिखाऊंगा दोस्तों, शहर का मैं नहीं दिखाऊंगा, शहर में इतना फेस्टिवल नहीं होता है, गांव में क्या क्या होता है आप लोग देखिएगा। तो दोस्तों हम खाना चालू करते हैं और वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। देख लीजिए पीठा और मटर का सब्ज़ी। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा, आपको बोरिंग भी लगेगा, इसलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय बोल दो, जोर से बोलो बाय बाय। हाँ थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।